नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और मंगलवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों की जो शुरुआत थी वो तो फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर होते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन 12 बजे के बाद एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग या फिर बढ़िया तेजी मार्केट्स के अंदर ट्रिगर करी, जिसके दम पर, क्योंकि फर्स्ट हाफ से ही हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से पार्टिसिपेशन था, TCS की तरफ से पार्टिसिपेशन आ रहा था, और सेकंड हाफ तक आते आते बैंक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन आया, जिसके दम पर निफ्टी जो है वो दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हुआ 17,300 के जोन्स के ऊपर। बेसिकली 17,000 के लोज आज सुबह के, 17,006 के आसपास के मार्केट ने उसे टेस्ट किया। वहां पर एक मेजर पुट राइटिंग जोन भी है, 17,150 पार करने के बाद बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करी और 17,300 के ऊपर निफ्टी को लेकर गई। IT आज पार्टिसिपेट कर रहा था फर्स्ट हाफ में ही, कुछ मिड कैप IT में पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम जैसे नाम, या फिर इंटेलेक्ट डिज़ाइन जैसे नाम थे जो खरीदारी में आ गए थे। सेकंड हाफ तक आते आते इन्फोसिस, TCS जैसे नाम, जो कि टेक महिंद्रा जो कि जोरदार तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। ऑयल एंड गैस का दिन था, अपस्ट्रीम में से ONGC, वेदांता, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो कि पार्टिसिपेट कर रही थी, और उसके अलावा जितनी एक्सप्लोरेशन कंपनियां थी, HOEC, जिंदल ड्रिलिंग, इस तरह की कंपनियों में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। साथ ही साथ आज जो बाइंग थी सेलेक्टिव मेटल्स के अंदर थी, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े। कुछ हद तक बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें HDFC फाइनेंशियल्स में HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक लोअर लेवल से वहाँ पर एक मूव आता दिखाई पड़ा। और एक बहुत ही शानदार मूव जो था वो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में था, जो कि करीब करीब 2.5% की तेज़ी के साथ वापस दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुँचा और एक तरफा उसने मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड किया। प्रेशर, इनफैक्ट एक ITC को और आप शामिल कर सकते हैं, जो कि अपने ईयर हाइस के करीब पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 6% अपने ईयर हाई से महज अब दूर रह गया है, डिस्पाइट FMCG में एक बबड़ा प्रेशर देखने को मिला, जिसमें HUL, ब्रिटानिया, जुबिलेंट, गोदरेज, इमामी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर आज भारी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल डिफेंसिव बैकफुट पे गए, डिफेंसिव में से IT आगे आया, और उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी ऑयल एंड गैस की तरफ से, जो कि रिलायंस लीड कर रहा था, जिसके दम पर मार्केट दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। साथ ही साथ बैंक्स के का भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आज के मार्केट्स में देखने को मिला। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें विल पेटीएम कम अप लॉन्ग टर्म, उम्मीद थी मुझे आज पेटीएम को सवाल आएंगे। शरद जी, पेटीएम के केस में दो तीन चीज़ें बहुत क्रूशियली आप समझ लीजिए। पहला, ओवर प्राइस्ड IPO, आप ऐसे समझिए ये एक की फेस वैल्यू का IPO जो आज आप देख रहे हैं, 500 रुपये का दाम, अगर मैं इसको 10 की फेस वैल्यू पर ले जाऊँ तो भी 5,000 का दाम बैठता है, और इसका लॉस मेकिंग बिजनेस उस दाम को एटलीस्ट सपोर्ट नहीं करता वैल्यूएशन वाइज, इसीलिए पेटीएम के शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। मैं पहले दिन से आज तक यही बात बोल रहा हूँ, सेम प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। पेटीएम के केस में जब तक लॉस है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते, कहाँ तक जाएगा, कितना फॉल आएगा, कुछ नहीं पता। कोई इंट्रेंसिक वैल्यू जो आइडेंटिफाई की होगी वो लोगों ने, मतलब जो हाल में बाजार में बातचीत थी कि 570 के आसपास वो वैल्यू है जहाँ पे पेटीएम ने पहली बार फंड रेज किया था, तो शायद वो वैल्यू होगी, लेकिन बाजार ने आज वो भी तोड़ दिया और उसके भी नीचे आ चुका है शेयर अब। तो इसीलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, एटलीस्ट स्टेबल होने दीजिए, फंड सेलिंग इज आउट होने दीजिए, एंकर इन्वेस्टर को निकलने दीजिए, उसके बाद जाकर पता चले किस तरह से इसको प्ले ऑफ करना है। लेकिन अभी के लिए आप कोई कॉल यहाँ ना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आपके पास है तो पेशेंटली बने रहेंगे, लॉस में तो बुक करेंगे नहीं, 2100 रुपये का शेयर 500 रुपये में तो बेचेंगे नहीं, तो बेटर आप वेट करिए और सिचुएशन सिनेरियो देखते रहिए, शायद प्रॉफिट आ जाए आगे, प्रॉफिट आता तो सिचुएशन बदलेगी, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप कुछ मत करिए, सिर्फ वेट एंड वॉच करिए। ओके, वेदांता, नेहल जी, वेदांता के केस में बड़ा प्ले है क्रूड का, क्योंकि इस क्वार्टर में क्रूड के जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे रियलाइजेशन पर गए हैं, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बना है, क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ना अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एक अच्छा ट्रिगर बनता है, जिसमें ONGC, ऑयल इंडिया के अलावा वेदांता जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, तो उस लिहाज से आप इसे देख सकते हैं। दूसरा, आप ध्यान रख सकते हैं इसके मेटल के रियलाइजेशन को लेकर भी, जहाँ पर मेटल के प्राइसेस भाग गए तो इनके रियलाइजेशन बेटर होंगे, तो Q4 के नंबर थोड़ा बेटर साइड पर आना सकते हैं। दूसरी चीज़, डेट थोड़ा कंसर्न है, वो डीलिस्टिंग के ऊपर भी एक बार जोर दे चुके हैं, तो ये मल्टीपल ट्रिगर्स और कामकाज कर रहे हैं। स्टील के प्राइसेस को लेकर कुछ बातचीत है मार्केट में, अगर वो प्राइसेस रिवाइज होते हैं, क्योंकि आज सुबह ही एक जानकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बात कही कि यूक्रेन अगर दोबारा वापस अटैक के बाद जब रीडेवलप होगा तब भी बहुत स्टील चाहिए होगी, और यूरोपियन यूनियन शायद वो स्टील प्रोवाइड ना करा पाए तो क्या करेंगे, तब भी तो कोई ना कोई कंपनी इंडिया से आएगी या बाकी देशों से आएगी,
तो इस तरह की कंपनियों को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो वेदांता नहीं, लेकिन स्टील कंपनियों को उसका एक इम्पैक्ट होगा, लेकिन वेदांता के इसमें क्रूड एक बढ़िया प्लेयर रहेगा, तो आपके लिए राय कि एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं, ज़्यादा बेटर यही सिचुएशन है नियर टर्म में। ओके, माइंडट्री। राकेश साहब आज सुबह गाबा सर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बात बोली थी कि वैसे तो वैभव ग्लोबल के लिए एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि आप जब तक शेयर जब एक तरफा चल रहा था, जबकि उसके फंडामेंटल उतने सपोर्टिव नहीं है, तो उसमें एंटर नहीं करना चाहिए था, आपने किया। तो अब उनके लिए तो राय उन्होंने यही दी थी कि आप तेज़ी मिले तो आप निकल जाएं, तो वही राय मैं आपको भी यहाँ पे पास ऑन कर देता हूँ कि गाबा सर ने बात कही थी कि कोई भी तेज़ी मिले आप यहाँ पर निकल सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, पहले आप ये देख लीजिए कि शेयर चल क्यों रहा है, क्या उसके पीछे फंडामेंटल चेंज इतना बड़ा आया है, अगर आया है तो चल रहा है, और अगर वो फंडामेंटल चेंज इररिलेवेंट है तो उसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे शेयर हैं, उनको आप तलाश लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, रिलैक्सो एंड रोसारी में अनिल जी, रिलैक्सो इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू रोसारी, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज डोमिनेंट है रिलैक्सो, शायद मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है लेदर स्पेस में, और जिस तरह के इनकी प्रोडक्ट हैं, मतलब जिस सेगमेंट में ये डील करते हैं वो सेगमेंट में भी लीडर है, तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं रोसारी कंपैरिजन में। एक ही फ्लॉ है कि रिलैक्सो चला बहुत है, लोअर लेवल से बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, तो इससे थोड़ा बहुत हल्का हो भी जाए तो घबराए ना, लेकिन कंपनी वाइज इन दोनों में ज़्यादा बेटर सिचुएशन वो आपको दिखेगा। ओके, हाउ टू क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो एज पर न्यू सिनेरियो। जैन साहब, न्यू पोर्टफोलियो और न्यू सिनेरियो तो मैं नहीं समझ सकता क्या कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि पोर्टफोलियो मतलब हमेशा मैंने एक ही चीज़ रिपीट की है जो बसंत महेश्वरी साहब ने मुझे कही थी कि एक पोर्टफोलियो बनाने में 10 साल लगते हैं, आपको जल्दी है तो आपके 20 साल लगेंगे। आप उसी सिनेरियो को मान के चलिए, अच्छी कंपनियों में रहिए, न्यू एज बिजनेस को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो न्यू एज बिजनेस को न्यू एज वेज में परफॉर्म करने दीजिए, तब आप उसमें एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर है। प्रॉफिट इज़ द ओनली थिंग व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, आप भी वही चाहेंगे और हर कंपनी वही चाहती है, तो अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो एंटर करिए, प्रॉफिट नहीं है तो मत जाइए, चाहे कितनी भी ल्यूक्रेटिव डील हो, कितनी भी अट्रैक्टिव डील हो, अवॉइड करिए टिल द टाइम वो प्रॉफिट में ना आ जाए। अगर अच्छी कंपनी है, धंधा तो प्रॉफिट के लिए आदमी करता है ना, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट आ ही गई कभी ना कभी, तो जो कब जब कभी प्रॉफिट आए तब एंटर कर जाइए, थोड़ा लेट एंटर करेंगे भाव महंगा मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये श्योरिटी मिलेगी कि कंपनी अच्छी है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छी है, डिविडेंड पे ऑफ करती है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, प्रोडक्ट डोमिनेंट है, उनके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मिल जा सकते हैं, एक डेट फ्री और प्रमोटर अच्छा है, ये दो और चेरी ऑन द केक है, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदानी विल्मर आईपीओ अलॉटेड शेयर। शिवम साहब, आईपीओ अलॉटेड है तो आपकी कॉस्ट से ऑलरेडी शायद 3 गुना तो हो ही चुका है मोटा मोटा, ऑल टाइम जो इसका हाई है 417 रुपये, 393-94 तो आज ये देख रहा था मैं, तो बेटर यही है अभी तो आप बने रहिए। ये भी कर सकते हैं कि स्लाइटली प्रॉफिट लेकर अपने जो कॉस्ट के शेयर हैं वो निकाल लें और फ्री के शेयर छोड़ दें, उनको आप होल्ड ही कर लेते हैं समय के लिए चाहें, लेकिन इस स्पेस में बज में है स्टॉक और शायद यहाँ से एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है गोइंग फॉरवर्ड भी, क्योंकि ये रुचि सोया के एफपीओ की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की डिमांड, ये इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, फर्दर पास ऑन करना, ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके लिए पैन आउट कर सकती हैं, तो आप उस हिसाब से कॉल लें। लेकिन अगर आपको आईपीओ अलॉटेड है तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बहुत नीचे होगी, तो कॉस्ट नीचे है तो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट लेकर आप निकल जाएं, फ्री के शेयर अपने आप छोड़ सकते हैं, सबसे सेफ ऑप्शन है ये। एशियन पेंट एंड एस्ट्रल। सर, एशियन पेंट इज़ डोमिनेंट इन पेंट स्पेस और होम और लाइफस्टाइल या फर्निशिंग कारोबार के अंदर भी एक्सपैंड कर रहा है, वहाँ पर भी एक अच्छा नाम ये लोग बना रहे हैं, तो पहली चीज़ उसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक कारोबार है। एस्ट्रल का केस में एस्ट्रल पहले पाइप में था, अब धीरे धीरे एडहेसिव कारोबार के अंदर एक्सपैंड कर रहा है और एडहेसिव में काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, तो वो कारोबार उनके लिए नया है। आप अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन चाहेंगे तो यहाँ आपको पीडी लाइट और एस्ट्रल ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा, लेकिन एशियन और एस्ट्रल में ऑब्वियसली बात है एशियन ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर ओन करता है, ज़्यादा बड़ी कंपनी है, ज़्यादा एस्टैब्लिश प्लेयर है, ज़्यादा पुराना हिस्ट्री है। एस्ट्रल एक तरफा चला है और जल्दी चला है, थोड़े समय में ही चला है, तो वो थोड़ा सा शायद फिजल आउट भी हो सकता है, लेकिन स्टेबल ज़्यादा वो है। अभी सिनेरियो दोनों के लिए ख़राब है, लेकिन एशियन पेंट के लिए ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट का मेजर हिस्सा क्रूड डेरिवेटिव है जो कि बहुत तेज़ चला है, तो उनके लिए ज़्यादा डैमेज होगा एस्ट्रल के कंपैरिजन में, इसलिए दाम वाइज भी आपको एशियन पेंट ज़्यादा सस्ता मिलेगा, एस्ट्रल नहीं। ये मैं मानता हूँ कि इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से प्राइस नीचे आएगा, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो प्राइस हाइक कर देंगे और उसका इम्पैक्ट पास ऑन कर देंगे, क्रूड नीचे आ जाएगा या कंपनी खुद डिसाइड कर लेगी उन्हें क्या करना है, तो वो ज़्यादा
अगर आपको सस्ते दाम में मिलते हैं तो आप एशियन के ऊपर पहले तवज्जो दे सकते हैं एसएल कंपैरिजन में। ब्रोकरेज हाउसेज के व्यू दोनों में यही है कि आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, लेकिन इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट दोनों में नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, देवयानी इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म व्यू। शिवम साहब, लॉन्ग टर्म के लिए देवयानी, थोड़ा मैं रुक इसलिए मैं कुछ और सवाल देखने लग गया था। खैर, देवयानी के केस में दो कंपनी ठीक है, 235 के आसपास शायद इनके आउटलेट्स हैं जो कि ये पिज्ज़ा हट के थ्रू ओन करते हैं, पिज्ज़ा हट के जो आउटलेट्स हैं इनके पास। बट इनका कारोबार दो हिस्सों में बटा हुआ है, जो दूसरा सफायर फूड के पास है, यानी आधा हिस्सा पिज्ज़ा हट और कोस्ता कॉफ़ी और KFC का देवयानी के पास है, और आधा हिस्सा जो है वो सफायर फूड के पास है, जो कि जुबलिनी केस में पूरा उनके पास है। तो इसीलिए बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए मार्जिन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए स्टिफ कंपटीशन भी है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट इनको भी आएगा इनपुट कॉस्ट बढ़ने का, जैसे जुबलिनी को आएगा, तो वो इंपैक्ट एक बार को रह सकता है। लेकिन हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मेटल प्रूफ करने दीजिए, ज़्यादा बेटर है। जयपुरिया ग्रुप है तो स्टॉक चलने में तो शायद इतनी दिक्कत ना हो, लेकिन अभी फिर भी आप इसे प्रूफ होने दीजिए नंबर्स के लिहाज से कैसे प्रूफ करता है, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, वेयर यू सी जोमैटो इन 5 ईयर? जैन साहब, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। इसका जवाब ऐसे मैं दे सकता था कि रोड पर ऐसे जोमैटो डिलीवरी बॉय आपको दिखेंगे डिलीवरी करते हुए, लेकिन बहुत जल्दी नहीं है। 5 साल का फैसला लेना 5 महीने पुरानी लिस्टिंग के अंदर, आपने अभी शायद 4 क्वार्टर किया, 3 क्वार्टर भी नहीं देखे होंगे जोमैटो के टोटल, और आप 5 साल की हिस्ट्री डिसाइड कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ 5 साल बाद TCS आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो भी आप शायद ना बता पाएं, जबकि वो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। क्योंकि जिस तरह से सिनेरियो बदल रहा है, अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है किसी भी समय के लिए। लेकिन एटलीस्ट होता क्या है कि आप ये नहीं बता सकते कि 5 साल बाद क्या चीज़ कहाँ जाएगी, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि 5 साल बाद ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो आप ऐसे समझिए कि जिस कंपनी के पास पूरे गियर्ड अप है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, एटलीस्ट वो फिर भी गियर्ड अप रहेगी। TCS के पास कैश है, क्रेडिबिलिटी है, हिस्ट्री है, नाम अच्छा है, मैनेजमेंट पुराना है और प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उनके केस में ये बात को प्रेडिक्ट करना, समझना बहुत आसान है। लेकिन इनके केस में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी कि अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, ना नंबर्स क्लियर हैं, ना डेट का सिचुएशन, ना प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनेगी, खुद ये किसी और सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश का डिप्लॉयमेंट कैसा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रोकर हाउस टारगेट 120 रुपये के आसपास है, आप ये ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ क्वार्टर बाय क्वार्टर और क्लियर होती जाएगी, तो आप उसका एटलीस्ट वेट कर सकते हैं। ओके, शुड वी गो फॉर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क फॉर लॉन्ग टर्म, सेव फॉर 1 ईयर? गुप्ता साहब, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क से बेटर अगर आप देखना चाहते हो, यूरेका फॉर्ब्स को देखिए, जो हाल की ही लिस्टिंग में है। वो T2T कैटेगरी के अंदर है और वो लोअर सर्किट रोज लगा रहा है। कंपनी अच्छी है, एडवेंट ग्रुप की कंपनी है, एडवेंट एक मल्टीनेशनल PE फर्म है, कारोबार भी ठीक है इनका, और ये पहले पालूनजी ग्रुप के पास था, वहाँ से निकल गया है। 4400 करोड़ रुपये के आसपास का ये सौदा हुआ था, आप इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। लेकिन हायर लेवल से बहुत ईज आउट भी हो रहा है, नीचे आ रहा है। वो 10 दिन का जो T+2 का टाइम फ्रेम है, एक बार उसे निकलने दीजिए, उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पर एक बार को ज़्यादा वेन्यू अच्छे बन सकते हैं, लेकिन गेटवे के केस में वही लॉजिस्टिक का इशू, इनपुट कॉस्ट का इशू, डीजल प्राइसेस बढ़ने का इशू, ये कंपनी के मार्जिन पे इफेक्ट करेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। ओके, ग्रीव्स कॉटन के केस में सर, रिसेंटली काफ़ी बज तो था इसमें, लेकिन मतलब कुछ ब्रोकरेज हाउसेज में कल शायद हमारे एक जानकार भी जुड़े थे, उन्होंने भी इसमें तेज़ी की बात की थी और टारगेट भी 5-10% के अपसाइड के दिए थे। तो मोमेंटम के लिए तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन लॉन्गर होराइजन के लिए एक बार ही आपको रिव्यू करना होगा इस कंपनी की सिचुएशंस को, EV स्पेस को, कारोबार को, उसके बाद कॉल लें ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, मोमेंटम के लिए कुछ जानकारी यहाँ पर तेज़ी की बात कर रहे हैं, ब्रोकरेज ग्रुप्स के अंदर भी तेज़ी पे इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट। ओके, MRF 4 शेयर 67,000 रुपये के दाम पर। सर, इसमें एक ही टिप्पणी कर पाऊँगा कि एक तो बहुत महंगा शेयर है, 1, डिविडेंड देता नहीं, 3-4 रुपये डिविडेंड आता है। आपने लिया है FNO में है, क्योंकि इक्विटी फ्लोट छोटा है इसलिए उम्मीद है कि चलेगा, लेकिन वो FNO में होने की वजह से शॉर्टिंग पॉसिबिलिटी हो जाती है, इसलिए चल नहीं पाता। क्रूड की कॉस्ट तमाम टायर कंपनियों के लिए 48-49% का हिस्सा लेती है, तो इनकी इनपुट कॉस्ट के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट आ रहा है, इसीलिए फर्दर पास ऑन नहीं कर पा रहे, वॉल्यूम हिट होने की बातचीत है। थोड़ा बहुत समय दीजिए, थोड़ा मोमेंटम आए, आप निकल जाएँ ज़्यादा बेटर है। और CA बालकृष्ण
इस तरह ही कंपनियों में जाएं जिनमें एटलीस्ट आपका इतना कैपिटल ब्लॉक नहीं है, आपने 2.5 लाख रुपए का रफली ब्लॉक कर लिए सिर्फ 4 शेयरों में, एटलीस्ट डिविडेंड के लिए ही, अगर आप मतलब अप्रिसिएशन नहीं भी होता तो शेयर अपना डिविडेंड देता रहे तो भी आपको संतुष्टि रहेगी, लेकिन यहाँ ना डिविडेंड मिल रहा है ना अप्रिसिएशन हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये टिप्पणी दे रहा हूँ। अदरवाइज इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है, कंपनी तो अच्छी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत महंगा है, वैल्यू अप्रिसिएशन के साथ साथ एफ एंड ओ में भी है तो शॉर्टिंग भी पॉसिबल है, इस लिहाज से थोड़ा सा कंसर्न रहता है। थोड़े दिन बाद आपको ही इरिटेशन ना होने लग जाए शेयर को होल्ड करते करते, आप उस हिसाब से यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। एक्चुअल नेगेटिव रिटर्न 2 साल, हर्षद साहब एक्चुअल केस में एक चीज़ बहुत समझ लिया अच्छे से कि अब तक की हिस्ट्री के सबसे बड़े कंसोलिडेशन जिन शेयरों में हुआ उसमें एक्चुअल का नाम सबसे ऊपर आता है। 10 साल ये 100 रुपये की रेंज में घूमा है और उसके बाद 3 गुना हो गया वहाँ से, तो अब वो एक्चुअल के जितना पेशेंस अगर आप संभाल सकते हैं तो आप एक्चुअल में आए। पहली चीज़, एक्चुअल मल्टीनेशनल जाइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैश रिच कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है भी वो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट आ रहा है, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहे हैं सभी कंपनियों के लिए, 60% इनका जो प्रोडक्ट ये जो यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट 70% बढ़ गई है, तो कितना हद तक पास ऑन कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो पूरा FMCG में प्रेशर है, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, डाबर, इमामी, सब में ही, और जो फूड सेगमेंट में उन पर ज़्यादा है, मिसाल तौर पर जुबलेंट, नेस्ले, HUL और गोदरेज भी कुछ हद तक, तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में जो कि फूड सेगमेंट में, क्योंकि वीट के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े, चीज़ के दाम बढ़े, शुगर के दाम बढ़े, तो वो इनके ऊपर डायरेक्टली मार्जिन पे हिट कर रहा है, तो इस लिहाज से इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। सो नियर टर्म प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर आप में है एपेटाइट, आप में है पेशेंस, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ITC ने भी एटलीस्ट वो पेशेंस तोड़ा और अपनी ईयर हाई के आसपास पहुंचा ही ना, तो अगर अच्छी कंपनी है, कैश रिच है, समय ले सकती है, लेकिन रिटर्न दे ही देगी। एटलीस्ट बाकी जो लॉस मेकिंग कंपनियों में आप लोग निवेश करना सोच रहे हैं उनसे तो मच बेटर ही है, उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। ओके, चले इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत सारे सवाल आते हैं तो सबसे बातचीत करना पॉसिबल नहीं होता, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, हमसे हमारे सत्कार्यक्रम में जुड़े। आपसे अब कल मुलाकात होगी, ज़रा ध्यान संभल के ट्रेड करिएगा, वीकली एक्सपायरी की तरफ हम धीरे धीरे जा रहे हैं और मार्केट्स में बढ़िया वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।